जो है परसेंटेज को दो भाग में तोड़ते हैं। परसेंटेज को दो भाग में तोड़ने से प्रति सत, सत मतलब होता है 100%। तो आपको सबसे पहले प्रतिशत को लाने के लिए सबसे पहले आपको भिन्न तोड़ना तोड़ने के लिए बताते हैं। प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे क्या एक बटे एक जो है इसको प्रतिशत में लाना है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करना है, तो ये हो गया 100%। और आपको एक बटे दो को भिन्न को, यहाँ भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए एक बटे दो को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, दो से कटाएंगे, यहाँ 50 हो जाएगा, तो ये 50% होगा। ये दो एक बटे तीन को प्रतिशत में लाना है तो इसको 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 33.1/3 प्रतिशत। यही देखेंगे एक बटे चार को प्रतिशत में लाना है तो इसको 100 से गुना करेंगे, 50 कटाएंगे, ये हो जाएगा 25×100, ये होगा 25%। एक बटे पाँच को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 5 से कटाएंगे, ये 20, तो एक बटे पाँच हम बोल सकते हैं ये 20% होगा। जैसे हम बोल सकते हैं क्या, मेरा दोस्त जो है, हम अपना दोस्त से, मेरे दोस्त के पास 5 रुपया है, मैं उसे 1 रुपया ले रहे हैं, तो वह कितना परसेंट हमको दे रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि वह जो मैन है जो हमको 1 रुपया दे रहा है वह ऊपर लिखेंगे, जो उसका कुल राशि है वह नीचा होगा। इसको कटा प्रतिशत में लाना है कि वह हमको कितना परसेंट प्रतिशत दिया, कितना परसेंटेज दिया, तो 100 से गुना कर देंगे, कटा के जो आया वह 20%, वह अपना हिस्सा का हमें 20% दिया है। जैसे बोल सकते हैं कि मेरा दोस्त जो है वह उसके पास 20 रुपया है, उसके पास 20 रुपया है तो वह हमको 2 रुपया दे दिया। अब हम बोलेंगे वह कितना परसेंट दिया हमको, परसेंट दिया, परसेंट निकालना है तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे, 20×5=100, ये हो जाएगा वह हमें 100% दिया है। तो फिर इसी तरह से ले लेंगे, जैसे क्या 3 रुपया है, मेरे दोस्त के पास 40 रुपया है, वह हमको 3 रुपया दे रहा है, तो हमको परसेंटेज में वो कितना दे रहा है इसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको कटा देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 से 4 हो जाए, 2 × 4, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं 5 × 3 गुना करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, 5 × 3 = 15, ये बटन ये नीचा में है, ये बटन चल जाएगा 2, तो ये कितना प्रतिशत में निकालना है, 15/2 है, इसको और तोड़ लेते हैं, 7 × 14 = 5, मतलब 7.5, ये प्रतिशत हो गया, ये हमें इतना प्रतिशत हमें दे रहा है। यदि प्रतिशत में पूछेगा तो कि मतलब वो 40 रुपया को 40 रुपया हमसे 3 रुपया हमें दे रहा है तो कितना परसेंट दिया है, तो ये हम बता सकते हैं कि वह 7.5, मतलब 7.5% वो दिया है। इसी तरह आपको अब बताते हैं परसेंटेज से भिन्न में आने के लिए, यदि दिया रहेगा कि परसेंटेज को भिन्न में लाना है, जैसे प्रतिशत को भिन्न में लाना, तो बोल सकते हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं, हमें 20% बोल सकते हैं, 20% को भिन्न में लाने के लिए ये 20 जो है, जैसे बता दें परसेंटेज, परसेंटेज होता है क्या 100 में कितना, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना, तो यहाँ हम देख रहे हैं 20% बोला गया है, तो बोल रहा है क्या 100 में कितना, तो 20 में 100 में कितना, तो 20 ऊपर चल जाएगा, 100 पूछा है, ये 100 परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो नीचे हम देखेंगे 100, तो इसको कटाएंगे, 20×100,
ये पाँच में कट जाएगा। इसका हुआ भिन्न में लाने के लिए, ये भिन्न में हो गया एक बटा पाँच हो गया। जैसे हम बोल सकते हैं 25% को भिन्न में लाने के लिए 25/100, 25 से कटाएंगे, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा। यदि हम बोलेंगे कि 30% को निकालना है तो 30/100 कर देंगे, ये कट जाएगा, ये 3/10, ये भिन्न में आ गया है। प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए यदि उसमें हम ये पहले हम गुणा करते थे, अभी हम इसमें भागा दे रहे हैं, तो ये भिन्न में चले जा रहा है। जैसे हम बोल सकते हैं 35 का ले सकते हैं, 40 का ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 33 का हम बोल दें, 33% का, तो हम बोल सकते हैं 33/100। अब बोलिएगा ये 33 कैसे आ गया? भिन्न का मतलब जो बताए थे आपको, एक यहाँ 100 नहीं देने के बाद, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100, सेम बात हो गया, 33/100 ये हो गया। अब कुछ अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 80 के 5% के बराबर है। किसी संख्या का 20% 80 के 15% के बराबर है, ले लिया। अब बोल रहा है किसी संख्या का, सबसे पहले भाषा पर करना है, किसी संख्या का, संख्या नहीं दिया हुआ, हम संख्या मान लेंगे, संख्या x है, संख्या x है, इसका बोला गया है 20%, तो 20% जैसे हम बोलते हैं x का 20% प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मान होता है 100, बटा में हम 100 दे देंगे। इसका बोला गया है 80 के 15% का बराबर है, तो लिख देंगे 80 का 15%, 15/100। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 100 से ये 100 कटा देंगे, ये 20 से 20 से 20 चौके 80, एक्स इजिकल टू 60, ये आपका आंसर आ गया है, यही आपका इसके बराबर है। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% 60 के 12% के बराबर है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशन फॉलो करेंगे। किसी संख्या का 40% 60 के 20% के बराबर है, फिर करेंगे, ले लेंगे x, किसी संख्या मतलब x ले लेंगे, x का 40% 40/100, तब बोला 60 के मतलब 12% के बराबर है, 12% के बराबर है। अब तो ये भी कटा सकते हैं, आप ऐसे भी कटा सकते हैं, और बराबर के बराबर रहने के बाद आप नीचे नीचे कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर भी कटा सकते हैं, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, 20 से कटा लीजिए आप, 20 × 40, 20 × 60, 2 से कटा लेंगे, 2 से एक बार में 2 कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, आपका x इजिकल टू आपका निकल गया 18। और ये लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 40 60 से कितना % कम है,
क्वेश्चन कर रहा है 40-60 से कितना परसेंट कम है, किसके अपेक्षा में पूछ रहा है, 60 के अपेक्षा में पूछ रहा है कितना कम है, ये 60 से 20 कितना परसेंट कम है ये पूछ रहा है। तो ये पहले देख लीजिए, इसका दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अंतर कितना हो जाएगा, -20, तो माइनस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कहे कि यहाँ खुद बता दिया गया है कि यह कम है, कितना परसेंट कम है। तो किसके अपेक्षा में पूछा गया है, 60 के अपेक्षा में पूछा गया है, इसके नीचे हम 60 लिख देंगे, परसेंटेज है 1 सोर्स कर देंगे, बोल सकते हैं 20 से कटाएंगे, 20 30 60 बोल सकते हैं 33.1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ये प्रतिशत में आ जाएगा। इसी जगह है चौथा क्वेश्चन है, 20-40 से कितना परसेंट कम है, लगे 20-40 से कितना परसेंट कम है, ले लेंगे 20-40 से कितना परसेंट कम है, तो फिर वही करेंगे, सेम कंडीशन करेंगे, दोनों का पहले अंतर निकाल लेंगे, अंतर कितना हो गया 20 का, किसके सापेक्ष बोल रहा है, 40 से पूछ रहा है, 40 के सापेक्ष में पूछ रहा है 40 से कितना कम है, तो 40 नीचे में जिसके अपेक्षा में पूछेगा उसका बटन दे देंगे, 40 कर देंगे, और प्रतिशत में पूछा गया है 100 से गुना कर देंगे, हम कटा सकते हैं 20 से कटाएंगे 20 20 दूनी 40 20 कटाएंगे, ये 50 बार में कटेगा, ये 50% आ गया। फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इससे आपका जल्दी से हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप फास्ट में बना लीजिएगा। तो फिर ले लेते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का था पहले, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 30-80 से, ये 80 लिख रहे हैं, 80 से कितना परसेंट कम है, तो किसके अपेक्षा पूछ रहा है, 80 की अपेक्षा पूछ रहा है, तो कितना कम है, तो निकाल लीजिए ये दोनों का, ये दोनों को निकाल रहे हैं, तो ये दोनों का निकालने के बाद अंतर इस दोनों का 50 हो जा रहा है, अंतर किसके अपेक्षा में, ये 80 की अपेक्षा पूछा गया है, ये 80 की अपेक्षा में 80 लिखेंगे नीचे और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे, ये से कटा देंगे, ये 4 से कटा देंगे, 4 2 8 4 से कटाएंगे, ये 25 और 25 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 25 4 100 इसको कटाए हैं तो 4 से तो 2 हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 25 × 5 ये होता है 125 25 × 5 125 और बटा में 2 दे देंगे, इसको कटा लेते हैं, 2 से कटाएंगे 6 2 5 दे देंगे, ये 62.5 हो जाएगा, आपका 6 नंबर का हुआ, 6 नंबर में बोला गया है 80-40 से कितना प्रतिशत अधिक है, सेम क्वेश्चन है, पूछा गया है 80-40 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये दोनों के अपेक्षा में जो बात करना है, ये दोनों को पहले अंतर निकाल लेंगे, अंतर निकल गया इस दोनों का, अंतर निकल गया इस दोनों का 40, किसके सापेक्ष में, से 40 से, इसका 40 से पूछा गया है तो नीचे में लिखेंगे 40 और प्रतिशत कितना प्रतिशत अधिक है, इसे कर देंगे 100 से, एक 40-40 कैंसिल, ये आपका बच रहा है, ये 100% हम बोल सकते हैं 100% अधिक है। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन है, तो हम
सात नंबर क्वेश्चन आ गया। सात नंबर में बीस बीस सौ से कितना परसेंट अधिक है, बीस सौ से कितना परसेंट अधिक है, बीस सौ से पूछा गया, बीस सौ से कितना परसेंट अधिक है। अब देख लीजिए कितना परसेंट अधिक है, इन दोनों का अंतर निकाल लिए, कितना हो गया अस्सी बटा कितना सौ गुना कितना सौ, क्या हो गया कट गया, निकल के कितना गया अस्सी परसेंट। अब अगला क्वेश्चन आने वाला है, अगला क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, कमी वृद्धि, कमी और वृद्धि पर बनाएंगे क्वेश्चन। जैसे ये आठ नंबर का क्वेश्चन हुआ, जैसे लिखा गया है चाय की मूल्य बीस रुपया से घटकर 16 रुपया हो 16 रुपया गई, कमी प्रतिशत निकालना है। तो बोला गया चाय की मूल्य में 20% से घटकर 16 रुपया हो गई है, तो प्रतिशत निकालना है कितना परसेंट घटा है। तो ये दोनों का पहले देखिए अंतर निकाल लीजिए, ये दोनों में 16 से घटकर कितना हो रहा है 20, कितना हो रहा है 20 16 से, तो अंतर कितना हो रहा है 4 का, किससे तो 20 से घट के हुआ है, 20 से पढ़ लीजिए बढ़िया से, 20 से घटकर 16 हुआ है, तो 20 लिखना है नीचे और मतलब कितना प्रतिशत कमा है लिख देंगे 100, 20 से कटाएंगे 20 पंच 100, पाँच का 20% कमी है, 20% घटा है, जैसे हम बोल सकते लिख सकते हैं। और इसी पे आधारित क्वेश्चन है एक और है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, नौ नंबर क्वेश्चन है, पूर्णिया की जनसंख्या 8000 से बढ़कर 12000 हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत बताएं। अब देख लीजिए कहा क्वेश्चन है, पूर्णिया की जनसंख्या 8000 से बढ़कर 12000 हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत बताएं। वैसे तो पूर्णिया की जनसंख्या 8000 तो है नहीं, और माने हैं कि 12000 है दिया हुआ है, 8000 है से बढ़कर 12000 हो गई है, तो उसका वृद्धि प्रतिशत बताना है, वृद्धि पूछा है ना। सबसे पहले अंतर निकाल लीजिए आप, अंतर कितना का है 4000 का, लिख लेते हैं 4000 हो गया, किससे बढ़कर 8000 से, 8000 नीचे में दे देंगे, और वृद्धि पूछा कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो 100 से गुना कर देंगे, ये तीनों कट गया, चार से कट गया, चार दूनी आठ, ये दूस कटा देंगे,
ये यहाँ से कट जाएगा 50 बार में। हम बोल सकते हैं 50% का वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है। ये क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए, बताया गया है पूर्णिया की जनसंख्या 8000 से बढ़कर 12000 हो गई है, तो वृद्धि प्रतिशत बताना है। सबसे पहले हम अंतर निकाल लेंगे कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। वृद्धि जो हुआ है वो 8000 से बढ़कर हुआ है, तो 8000 से बढ़ के हुआ तो 8000 का लिख लिए, बढ़ा है जितना, पहले अंतर निकाले, अंतर आपका 4000 हुआ। किससे? तो 8000 से ना बढ़ा है, तो 8000 से बढ़ा तो 8000 नीचे लिखना है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करना है, उसके बाद काट दीजिए। काटने के बाद अब 50% आ जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन एक है जो लास्ट है, कहा गया है 10 नंबर क्वेश्चन है, x का x प्रतिशत, x का x प्रतिशत 36 है, तो x का x बराबर क्या होगा? सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और यह सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता भी है। तो जैसे बोला गया x का x प्रतिशत 36 है, तो x का मान क्या होगा? तो x बराबर निकालना है, x बराबर निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, x का पूछा गया ना, x लिख लेंगे, प्रतिशत x का प्रतिशत x बटे 100 लिख लेंगे, बराबर इसका 36 कर देंगे। x बराबर वैल्यू पूछा गया है, x बराबर, तो x गुना x कर लेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, बराबर के बाद 36 आ जाएगा। अब जानते हैं क्या कटने रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर के उस पार जाएंगे, इसको गुणा करना है, ये एक्स स्क्वायर का 36 करना है, 3600 हो जाएगा, इधर डबल जीरो पड़ेगा 3600। एक्स का निकालना है ना, एक्स का निकालना है, तो ये 36 में जाएगा इधर, तो रूट में हो जाएगा, और रूट आप जानते होंगे ये 60 का है, छोछा के 36, और दो जीरो में से एक जीरो लेंगे, ये 60 हो जाएगा, 60%। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, जो इसे भी बेस्ट क्वेश्चन आएगा, देखना नहीं भूलिएगा।